हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए 2 से 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, पहला बड़ा अपडेट है आपके लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने को लेकर के, उसमें एक प्रॉब्लम चल रही है, क्या सोल्यूशन है वो भी मैं इसमें बताऊँगा। दूसरी बड़ी अपडेट है आपके 4% जो DA और DR का एरियर्स है उससे रिलेटेड भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको डेट वगैरह भी बताई जाएंगी कि ये कब आएगा और नहीं आया तो क्या आपको करना है, सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल में बताई जाएंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके अलावा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के भी तीसरी बड़ी अपडेट मैं देने वाला हूँ, 3 बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आप सभी को पता है पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए, आप सभी को मालूम है कि आप सभी को जानते हैं कि पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट 1 नवंबर से लेकर लास्ट वर्किंग डेज तक होती है नवंबर मंथ के। ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिल रही हैं, लेकिन वो सब प्रॉब्लम्स जो भी सबमिट करने में आ रही हैं वो सर्वर के चलते भी हो सकती हैं, आपके इंटरनेट के चलते भी हो सकती हैं कहीं, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स कमेंट कर रहे थे कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो आप अपना इंटरनेट थोड़ा सा चेक करिए, या फिर आप अच्छे इंटरनेट से सर्विस करिए, या फिर कभी कभी इंटरनल सर्वर भी हो जाता है उसके चलते भी सबमिट नहीं हो पा रहा होगा, आप उसको सबमिट करिए फिर से, आपका फिर से हो जाएगा, एक दिन लगेगा लेकिन सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो इजीली सबमिट हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। दूसरी बड़ी अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको DA और DR के एरियर्स पर। बहुत सारे पेंशनर्स कमेंट कर रहे थे कि उनका DA और DR का एरियर्स खातों में नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स ये भी बोल रहे थे कि उनके DA और DR का जो एरियर्स है वो 4% एरियर्स वो आ गया है खातों में, लेकिन ऐसे पेंशनर्स की संख्या बहुत कम थी जिन्होंने ये बोला है कि DA और DR का एरियर्स उनका आ गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेंशनर्स ये कमेंट कर रहे थे कि उनका DA और DR का एरियर्स 4% है वो अभी तक उनके खातों में नहीं आया है। तो आप 10 तारीख तक वेट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 10 से पहले पहले आपको, या बोल सकते हैं कि दिवाली से पहले पहले वो आपको DA और DR का एरियर्स आपके खातों तक ज़रूर पहुँचाया जाएंगे, क्योंकि पेंशनर्स के लिए प्रोसेस कर दिया गया होगा, यूजुअली हो जाता है ऐसे प्रोसेस और जल्द से जल्द खातों में आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग डेज पर सब पेंशनर्स को मिलता है, कभी कभी पेंशन भी आपको पता है कि टाइम पर कभी कभी आगे और पीछे हो जाती है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत कोई भी नहीं, आपका DA और DR का जो एरियर्स है वो जल्द से जल्द आपके खातों तक ज़रूर पहुँचेगा, जैसे कि अभी तक पहुँचता रहा है। तीसरी बड़ी अपडेट आ रही है पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, एक पिछले दिनों मीटिंग हुई थी जिसमें पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, कर्मचारियों के जो बेसिक पेंशन है उसमें बढ़ोतरी को लेकर के बात हुई थी, जिसमें बेसिक पेंशन में 5 साल में 5%, 10 साल में 10% और 15 साल में 15% पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के बात की जा रही थी। अभी उसमें अपडेट आना बाकी है, जैसे कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा हम आपको ज़रूर बता देंगे, आपके हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको कितने परसेंट बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की ज़रूरत है जिससे आपके सारे एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंडिचर, सारे पूरे हो सकें, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा, ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।